में उम्मीद आप देख रहे हैं गेम। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फौजी गेम के बारे में। तो हम लोग फौजी की गेम प्ले और फौजी के ग्राफिक्स और फौजी की स्टोरी उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। फौजी गेम कैसा है, अच्छा है या बुरा है, कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें में थोड़ा बहुत मतलब कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर कौन सी चीज़ें मतलब कि बिल्कुल ही बुरी है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी मैं बोलने वाला हूँ मैंने खुद ने गेम खेली है और थोड़ा बहुत लोगों के वीडियो भी देखे गेम के बारे में और लोगों को भी ओपिनियन मैंने देखे मतलब कि रिव्यूज़ में और उस सब में। और दूसरा मैं कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, उसके अलावा मैं जो भी कहने वाला हूँ मतलब कि मेरा खुद के ही ओपिनियंस है और मतलब कि मैं किसी को मतलब कि डिसीजन नहीं देने वाला हूँ कि गेम कैसी है। आप खुद गेम खेल के डिसाइड कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि मैं पूरे वीडियो में फौजी को पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी अलग कैटेगरी की गेम है और फौजी अलग कैटेगरी की गेम है, उन दोनों का कंपेरिजन नहीं गलत होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फौजी के गेम प्ले के बारे में। तो फौजी गेम का जो गेम प्ले है वो गलवान घाटी में मतलब कि पूरा का पूरा बेस है मतलब कि जो स्टोरी लाइन है वो, और उधर से वीडियो स्टार्ट होता है। तीन सैनिक थे, उसमें से शायद से दो सैनिक घायल हो जाते हैं और उन दो सैनिकों को, और एक सैनिक मतलब कि बेहोश हो जाता है। अभी वो एक सैनिक दूसरे दो सैनिकों को चाइनीज़ सोल्जर की जो है उनमें से मतलब कि उनके किडनैप किए हुए सैनिकों को छुड़वा के वापस इंडिया जाने के बारे में सोच रहा है। और उस तरह का गेम प्ले मतलब कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। बीच बीच में वो ये भी कह रहा है कि चाइनीज़ सोल्जर इंडिया में आए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा बताते हैं कि वो लोग चाइना के कैंप के अंदर मतलब कि किडनैप करके ला दिए गए। तो इस तरह का स्टोरी है। तो फिर हम बात करें ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स जो ट्रेलर था उसके अंदर बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स दिखाए गए थे, लेकिन रियलिटी में ऐसे ग्राफिक्स नहीं मिलते आपको गेम के अंदर, मतलब कि बिल्कुल भी ट्रेलर से मैच ही नहीं करते ग्राफिक्स। ट्रेलर में जो दिखाया गया था वो कुछ भी नहीं है। अभी तक ऐसा कहा गया है गेम्स में डेवलपर्स के द्वारा कि वो सब कुछ बाद में ऐड किया जाएगा, ये सिर्फ मतलब कि बीटा वर्जन एक तरह से कह सकते हैं वैसा ही लॉन्च किया है। अभी तक और भी लेवल्स और सब कुछ ऐड किया जाएगा, लेकिन अभी जितना ऐड किया है उसमें ट्रेलर का कुछ भी दिख नहीं रहा है। ज़्यादातर चीज़ें हमें नहीं दिख रही है, ट्रेलर्स की वेपन्स भी नहीं दिख रही है हमें, मतलब कि गन्स नहीं दिख रही है, बाकी हैंड वेपन्स है। ना ही हमें मोली या ऐसा कुछ दिख रहा है जो हैंड ग्रेनेड है वो सब कुछ, ना ही हमें कुछ और दिख रहा है। हमें सिर्फ अभी तो मतलब कि नॉर्मल ऐसे 3D है, 2D नहीं है, लेकिन नॉर्मल है 3D में, ज़्यादा कुछ आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग। और सिर्फ एक ही बटन है जिससे हम लोग मार सकते हैं और एक बटन डिफेंस का है। कंट्रोल भी बहुत ही कम दिख रहे हैं, तो कंट्रोल भी मतलब कि इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद करें अगर हम दूसरी चीज़ जो कि मतलब कि एक तरह से आप नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमें जंप या क्राउच का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो आप जंप या क्राउच नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इतनी फास्ट स्पीड से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जितनी फास्ट स्पीड से आप आगे मूव कर सकते हो उतनी फास्ट स्पीड से आप मतलब कि पीछे की तरफ या फिर दाहिने और बाईं तरफ आप नहीं मूव कर सकते, सिर्फ आप आगे मूव कर सकते हैं, बाकी पीछे मूव कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ही स्लो हो जाता है। और जब हमारी फाइट चल रही होती है और हमने पंच का बटन दबा के रखना पड़ता है, बार बार दबाना पड़ता है वो बटन, तभी हम फाइट कर पाते हैं। तो जब हम पंच का बटन बार बार दबा रहे होते हैं तभी भी हम लोग इतनी आसानी से मूव नहीं कर सकते, मतलब कि आगे तो आसानी से मूव कर सकते हैं लेकिन ना ही पीछे ना ही दाएं बाएं हम लोग आसानी से मूव कर सकते हैं। बहुत ही स्लो स्पीड दिखने को मिलती है और हमें मतलब कि हम लोग मूव भी मतलब कि मूव कर सकते हैं लेकिन आप स्मूथली मूव नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम गेम के साथ ये है कि गेम में बहुत ही छोटे टाइम के लिए आप खेल सकते हो, मतलब कि अभी तक जो गेम है वो गेम के ऑफिशियल टाइम के मुताबिक आप 30 मिनट खेल सकते हो, उसके बाद टाइम आउट हो जाता है, जो कि ठीक है मतलब कि गेम को हार्ड बनाने के लिए। लेकिन 30 मिनट का ही एक ही राउंड है, उसके बाद आपकी ना ही डिफ़िकल्टी हाई होती है ना ही आप दूसरे लेवल पर जाते हो, मतलब कि डिफ़िकल्टी जब बढ़ेगी नहीं तो बार बार वो खेल के हम लोग बोर हो जाते हैं। हमें वैसी गेम पसंद आती है जो बार बार खेलने से डिफ़िकल्टी मतलब कि बढ़ती हो, मतलब कि हम ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे गेम। दूसरा एक प्रॉब्लम ये आता है गेम के साथ कि गेम्स में जो हैंड वेपन्स है वो भी आप मतलब कि कुछ ज़्यादा हैंड वेपन्स में आपको मैन्युअली ऐड करने का या रिमूव करने का ज़्यादा नहीं कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, और 3 या 4 हैंड वेपन्स है और उसके बस स्किन्स है, ज़्यादा हैंड वेपन्स भी नहीं है अलग अलग, और सारे हैंड वेपन्स एक ही तरह से हैं, मतलब कि हैंड वेपन्स में भी कुछ अलग नहीं है। शायद डैमेज में कुछ फ़र्क होगा लेकिन वो खास फ़र्क हमें दिखता नहीं है जब हम हैंड वेपन्स यूज़ कर रहे होते हैं, तब सब एक ही तरह से मूव होते हैं और एक ही जैसे मतलब कि एक ही हैंड वेपन की 3 स्किन अलग अलग हो ऐसा दिख रहा है, कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है तीनों हैंड वेपन्स में।
दूसरा ही प्रॉब्लम गेम का ये है कि गेम में ग्लीचिस बहुत है, मतलब कि इतना वेट करवाने के बाद गेम लॉन्च हुआ है लेकिन उसके बाद भी गेम परफेक्ट नहीं है, बहुत ही ग्लीचिस है और इतने हाई ग्राफिक्स भी नहीं मिलते हैं, उसके बाद भी ग्लीचिस मिलते हैं तो थोड़ा सा हमें वो डिससेटिस्फेक्शन मिलता है उससे कि मतलब कि इसमें भी ग्लीचिस देखने को मिल रहे हैं। तो उसके अलावा मैंने भी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा और गेम के डेवलपर्स से बार द्वारा भी एक दो बार कहा गया, एक बार या दो बार तो कहा, एक बार तो मतलब कि कहा या कम से कम कि गेम जो है उसको पबजी से या कॉल ऑफ ड्यूटी से कंपेयर ना करें क्योंकि वो अलग टाइप के गेम्स हैं और वो लोग सालों से गेम्स बना रहे हैं। लेकिन गेम की लॉन्चिंग डेट वैसे टाइम में मतलब कि सिलेक्ट की गई थी जब पबजी बैन हुआ था, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि पबजी का कोई अल्टरनेटिव मिलेगा और नाम भी इसी तरह से रखा गया है, मतलब कि फौजी में वाप पीछे जी आई की जगह जी लिखा गया है, जे आई की जगह, तो हमें मतलब कि पबजी मतलब कि हम पबजी का अल्टरनेटिव ही समझ रहे थे जब तक रिलीज़ नहीं हुआ था तब तक। और ट्रेलर भी काफ़ी कुछ पबजी जैसा था, मतलब कि पैराशूट और वो सब कुछ भी ट्रेलर में डाला था तो हमें लगा था कि पबजी ही होगा, मतलब कि पबजी जैसा ही होगा या अल्टरनेटिव होगा, पबजी से थोड़ा अलग होगा लेकिन थोड़ा सा मतलब कि बैटल रॉयल या उस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन पबजी का अल्टरनेटिव नहीं है। और ये पॉइंट मतलब कि मैं गिनना नहीं वाला हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मना किया था, लेकिन हम लोग उसी को ढूंढ रहे थे। डेवलपर्स अभी ये नहीं कह सकते कि आप पबजी के साथ कंपेयर मत करो क्योंकि डेवलपर्स ने शुरुआत से हमें पबजी का अल्टरनेटिव दिखाने का ही मतलब कि कहा था। दूसरी एक बार डेवलपर के द्वारा ये कही जा रही है कि ये इंडिया में मतलब कि कोई नया गेम है या पहली बार ऐसा ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसा मतलब कि स्टार्टिंग है अभी तो मतलब कि इतना मतलब कि बड़ा गेम नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम बड़े गेम जैसे कि मतलब कि सी एस गो है या पबजी है या फिर कोई भी बड़ा गेम है सी ओ डी है या कोई भी है तो अगर उनसे कंपैरिजन ना भी करें और छोटे गेम जैसे कि मतलब कि कॉन्ट्रा जैसे किसी 1919 या 1918 के गेम हो, मतलब कि सुपर हिट गेम हो उस टाइम का, उससे भी कंपैरिजन करें तो मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुपर हिट गेम हो अभी के टाइम का, लेकिन उस टाइम के गेम जैसे कि कॉन्ट्रा है या कोई भी गेम आप ले लो तो वो गेम भी मतलब कि हम अगर एक को पूछा जाए कि आप फौजी खेलोगे या कॉन्ट्रा तो आप ज़रूर कॉन्ट्रा खेलना पसंद करोगे, तो उन गेम का लेवल का भी नहीं है। तो और ऐसे है नहीं है कि इंडिया में ये मतलब कि अभी तक इंडिया में कोई भी गेम नहीं बना है, इंडिया में WCC यानी कि वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियनशिप ये गेम तो आपने सुना ही होगा, मतलब कि WCC 1 2 3 बहुत सारे हैं, उनके गेम्स भी अच्छे होते हैं, उन्होंने हिंदी में कमेंट्री भी डाली है और गेम्स के ग्राफिक्स भी अच्छे होते हैं, और गेम में मतलब कि क्रिकेट गेम होता है तो क्रिकेट के गेम में जो होता है नॉर्मल गेम्स में वैसा ही होता है। तो इंडिया में भी कई अच्छे गेम बने हैं, रांची भी बहुत मतलब कि प्लेयर्स खेल रहे थे, मैंने खुद ने रांची नहीं खेली है इसलिए मैं बता नहीं सकता कि कैसा था, मैंने स्ट्रीम्स देखी है तो मतलब कि ऐसा गेम था जो कि ना सिर्फ इंडिया मतलब कि इंडिया के बाहर भी कोई गेमर्स है वो खेलना पसंद करे और अच्छा गेम भी था। तो फौजी इस मायने में भी मतलब कि डिससेटिस्फेक्शन ही देता है हमें कि मतलब कि ये लोग ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया में मतलब कि अभी स्टार्टिंग है तो ऐसा है गेम मतलब कि अच्छा ही कह सकते हैं, मतलब कि अच्छे भी अच्छे गेम इंडिया में भी आए हुए और अगर पुराने गेम से भी कंपेयर करें तो इतना अच्छा नहीं है, मतलब कि ग्राफिक्स की बात नहीं कर रहा, गेम प्ले भी अच्छा होना चाहिए, कंट्रोल्स भी होने चाहिए, सिर्फ दो या तीन ही कंट्रोल्स दिए, तीन ही कंट्रोल है, एक जॉयस्टिक है और बाकी दो कंट्रोल है, एक डिफेंस का और एक पंच का। दूसरी पर डेवलपर्स के द्वारा ये भी कही गई थी कि गेम है वो ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने वाले हैं, तो हम लोग मतलब कि कोई ऐसे पावर अप्स जो कि मतलब कि डुप्लीकेट दिख रहे हैं वैसे हम पावर अप्स नहीं डालेंगे या फिर कुछ भी ऐसा नहीं डालेंगे जो कि मतलब कि रियल ना हो। तो लेकिन ओरिजिनल भी मतलब कि इतना भी ओरिजिनल भी गेम नहीं लग रहा है, जैसे कि हम देखने जाए तो हमें किसी को मारे तब उसके में से खून निकलता है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, डेथ एनिमेशन भी मतलब कि अच्छा दिख नहीं रहा है, मतलब कि कहीं पर स्लो मोशन दिख रहा है तो कहीं पर ग्लिच की वजह से पूरी बॉडी मतलब कि हिल रही हो ऐसा दिख रहा है, ना ही हम मतलब कि एक साथ हम 10 10 11 11 लोगों से लड़ रहे होते हैं तब हमारे साथ सिर्फ एक ही लड़ता है बाकी सब देखते हैं, या फिर ऐसा नहीं है मतलब कि कहीं गेमों में होता है कि हमें शांति से मतलब कि अगर हम क्राउच होके जाएंगे तो ही मतलब कि किसी को जा सकते हैं, किसी के करीब अगर क्राउच होंगे नहीं जाएंगे तो उसको मतलब कि वो मिल जाता है और सब लोग आप मतलब कि ज़्यादा लोग आ जाते हैं या फिर हम आउट हो जाते हैं या डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है या फिर मतलब कि छुप के सबको मारना है, ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब कि गेम के अंदर नॉर्मली मतलब कि हमें जाना है, हम जिधर भी जाते हैं उधर 9 10 मतलब कि लोग आ जाते हैं, जितने भी लोग होते हैं जितना मतलब कि डिफ़िकल्टी का लेवल होता है उतना मतलब कि लोग आ जाते हैं और फिर मतलब कि हमें उनको आउट करना होता है, और अगर हम एक आदमी को मार रहे होते हैं तो दूसरा आदमी हमें नहीं मारता और हम जब उसको मतलब कि एक बार मार ले तो थोड़ी देर तक वो नहीं मारता, तो वो जब चीज़ें भी मतलब कि गेम को
दूर ले जाती है रियलिटी से, मतलब कि गेम रियलिस्टिक भी नहीं लग रहा है ना ही गेम हमें ज़्यादा फिक्शनल लग रहा है, मतलब कि गेम दोनों के बीच में मतलब कि फंस चुका है, ना ही मतलब कि इधर का दिख रहा है ना ही उधर का दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो गेम मतलब कि हिंदी में है तो ये चीज़ आपको पसंद आ सकती है, और दूसरा गेम बहुत ही इजी है, मतलब कि आप 2-3 बार खेलोगे तो जीत ही जाओगे। तो अगर किसी को इजी गेम्स पसंद हो जिन गेम में आप जीतो मतलब कि खेलने में मतलब कि अगर आपको सिर्फ टाइम मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम चला गया और आप गेम खेलोगे और जीत भी जाओगे मतलब कि लास्ट में, और मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग गेम है और आप जीत जाओगे तो उस लिहाज से अच्छा है। दूसरा मैं ये कहने वाला था कि अगर आप मतलब कि बच्चों के लिए अच्छा है चिल्ड्रंस खेल सकते हैं गेम को, लेकिन वो मैं नहीं कह सकता क्योंकि गेम को 16+ की कैटेगरी दी गई है, तो अगर आप 16 साल से कम एज के हैं तो मत खेलिए गेम। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी भी गेम के बारे में क्या सोच है वो ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय बाय।